फिर से कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 30,000 रुपए के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, Realme GT60, Motorola H50 Pro या लेटेस्ट लॉन्च हुआ OnePlus Nord 4। काफी दिनों से तीनों स्मार्टफोन को टेस्ट कर रहा हूं, आज की वीडियो में फुल टू आपको बताता हूं आपके लिए बजट में आपके कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे OnePlus का यार 128GB वाला वेरिएंट मिल ही नहीं रहा था ऑफलाइन में, 256GB वाला मिला है और वही लेके आया हूं ब्लैक कलर में। वैसे इस फोन को हाथ में लेते ना मुझे याद आ गई पुरानी Redmi Note सीरीज की, क्योंकि उस टाइम पे उस तरीके का जो मेटल बैक वाला डिजाइन आता था वो सिमिलर चीज OnePlus वापस लेके आया है। और रियलिटी में भाई जो पुरानी मेमोरीज आई है ना बहुत ही ज्यादा मजेदार मुझे लगी। वैसे बिल्ड और डिजाइन में देखोगे तो यार देखो OnePlus आपको बैक से मेटल फ्रेम के साथ आता है, Motorola बैक से आपको लेदर फिनिश के साथ आता है और Realme बैक में प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है। देखो डिजाइन एंड लुक्स आपका अपना सब्जेक्टिव है, कौन सा ज्यादा आपको पसंद आ रहा है उस हिसाब से आप उसको पिक कर सकते हो। बट अगर आपको एक हल्का स्मार्टफोन लेना है, लाइट वेट वाला लेना है, तो उस मामले में मैं कहूंगा Motorola सबसे लाइट वेट निकल के आता है, सबसे ज्यादा हल्का है और सबसे ज्यादा मतलब इन हैंड फील के मामले में अगर आप कहो ना इजिली इसको आप वन हैंड यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे यहाँ पे यार Realme निकल के आता है। देखो बैक से प्लास्टिक फ्रेम है, थोड़े से कर्व्स के साथ है, तो ये भी काफी हद तक आप इसको वन हैंड यूज कर पाओगे, बट थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा स्मार्टफोन रहता है। और सबसे ज्यादा हैवियर यहाँ पे यार OnePlus निकल के आता है, मेटल फ्रेम एड जरूर से करता है वेट में, बट ओवरऑल मैं कहूंगा यार OnePlus प्रीमियम फील मुझे सबसे ज्यादा दिया है, चाहे वो Motorola हो चाहे वो Realme हो। वैसे Motorola का भी जो मिडिल फ्रेम है आपको एल्युमिनियम वाला मिलता है, सिमिलर OnePlus में भी मिलता है, बट Realme में आपको प्लास्टिक मिलेगा। वैसे तीनों के ही अंदर आप हेडफोन जैक नहीं लगा सकते, तीनों में ही एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं आता है। एसडी कार्ड स्लॉट जाए तो जाए बट आपका प्यार कहीं ना जाए, तो इसलिए यार सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा लो। इस साल के एंड तक 5,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की कोशिश है, तो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना। बट एक चीज जो कि सिर्फ Motorola देता है वो है IP68 की वाटर रेजिस्टेंट वाली रेटिंग। इसको आप लिटरली पानी के अंदर डुबा सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। जहां OnePlus और जो Realme है आपको थोड़ी बहुत छीटा वगैरह पानी की उनसे ही बचा सकता है। वैसे फ्रंट में प्रोटेक्शन की बात रही तो Realme Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन देता है, Motorola आपको Gorilla Glass 5 की देता है, और OnePlus ने स्पेसिफाई नहीं करा है कौन सी प्रोटेक्शन इन्होंने यूज करी है। बट एक चीज और है, अगर आपका फोन गिरता है ना तो इसमें डेंट काफी जल्दी आ जाएगा OnePlus में। बट डेंट को छोड़ के डिस्प्ले की अगर बात करी जाए, देखो तीनों में से सिर्फ OnePlus है जिसके अंदर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पे आपको 6.67 इंच की 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन बेजल्स वगैरह देखोगे तो काफी ज्यादा पतले इसके अंदर मिलते हैं। बाकी दोनों में आपको कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, Motorola 144Hz की यहाँ पे आपको निकाल के देता है, और Realme आपको LTPO वाला 120Hz का AMOLED पैनल देता है, जो कि अगर आप स्पेसिफिकेशन वाइज देखोगे तो सबसे बेटर यहां पे Realme निकाल के देता है। इसकी डिस्प्ले 1Hz से 120Hz में आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती हुई मिलती है, जिससे बैटरी जरूर से बचती है। बट ऐसा रियल लाइफ में है कि नहीं है आगे आपको बैटरी के वाले में जरूर से बताऊंगा। बट नॉर्मली आप 4K HDR वीडियो तीनों में ही YouTube वगैरह में चला सकते हो, स्मूथली चलती है। Motorola में कभी कभी अटक जाती है, थोड़ी सी चीज मैंने नोटिस करी, बट अगर आप देखोगे कलर्स वगैरह तीनों के ही काफी सही है। हाँ मोटो थोड़ा सा आपको सैचुरेटेड वाली ट्यूनिंग जरूर से देता है, बट आपको दिखने में अच्छा लगेगा। डीप ब्लैक्स तीनों के ही अच्छे निकल के आते हैं, एंजॉय आप तीनों में आराम से करोगे। बट अगर आपको हायर क्वालिटी में एंजॉय करना है, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, HDR कंटेंट आप OnePlus और Realme में ही स्ट्रीम कर सकते हो, वो चीज Motorola में आपको नहीं मिलती है। वैसे तीनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, क्विकली आराम से अनलॉक हो जाता है, कोई भी इशू उधर नहीं आया। बट एक चीज मैंने नोटिस करी, जो हैप्टिक्स वगैरह है भाई यार, यहाँ पे जो Realme है OnePlus है वो हैप्टिक्स के साथ तगड़ी तरीके से इंप्लीमेंटेशन करके लाते हैं, Motorola उस सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। बट जो स्पीकर की क्वालिटी है तीनों की भाई, नेक टू नेक मैं कहूँगा यहाँ पे वर्क कर रही है, अच्छे स्पीकर डुअल वाले दोनों तीनों में ही मिल जाते हैं, बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। अगर डिसाइड करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हाँ मुझे थोड़े से लाउडर OnePlus के लगे हैं, बट ओवरऑल तीनों के ही सही मिलते हैं। इवन NFC भी तीनों में मिल जाता है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी देखिए भाई तीनों में ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलती है। इवन OnePlus में ना ये मेटल वगैरह के यूज़ करने के लिए, इसमें फ्रेम्स वगैरह के लिए, तो नेटवर्क जो बैंड है फ्रेम फ्रेम के एकदम साइड साइड भी दिए हुए, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी मैंने इसमें एकदम चेक करी, कोई दिक्कत नहीं आई। और OnePlus में मैंने चेक करा, अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है, तो ये भी एक एडिशनल फीचर है। बट एक चीज और है, क्या जो Realme है क्लेम करता है 6000 nits के पीक ब्राइटनेस, अब उतना भले ही ना जाए बट तीनों में से सबसे ज्यादा ब्राइटर Realme रहता है, और Moto और OnePlus में देखोगे थोड़ा सा टाई हो जाता है। OnePlus थोड़ा ज्यादा ब्राइटर लगा है Moto के कंपैरिजन में, मतलब बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है। आउटडोर में तीनों ही विजिबल होंगे, Realme सबसे ज्यादा विजिबल आपके लिए हो जाएगा। बट जो
सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट आता है, यहां पे यार मुझे OnePlus ने काफी ज्यादा शॉक करके रखा है, क्योंकि OnePlus के अंदर ब्लोटवेयर Realme के कंपैरिजन में ज्यादा हो चुके हैं। कैन यू बिलीव इट यार, मैं नहीं कर पाया था। देखो तीनों में एंड्रॉइड 14 का आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। अपडेट्स की बात रही, OnePlus 4+6 ईयर्स की अपडेट का प्रॉमिस देता है, जहां पे यार आपको Realme हो गया या Moto हो गया 3+4 ईयर्स का प्रॉमिस देते हैं। तो OnePlus इधर थोड़ा सा ज्यादा जरूर से आगे जाता है, बट अब ब्लोटवेयर में भी आप देखोगे OnePlus में काफी सारे ब्लोटवेयर आते हैं, और इसके अंदर अब ऐप पिक वाला भी ऑप्शन आ गया है। कोई भी ऐप इंस्टॉल करोगे स्कैन करता है, वो भी देखने के लिए मिलता है। कोई ऐप अनइंस्टॉल करो पॉपअप आ जाती है, ऐप पिक्स के नोटिफिकेशन वगैरह आपको इसके अंदर मिलते हैं। बिल्कुल कचरा वाली यूआई होती जा रही है। भले ही आप टर्न ऑफ नोटिफिकेशन कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो ऐप को, Realme में उसके कंपैरिजन में काफी कम है, और मोटो में तो नाक के बराबर आपको मिलते हैं। ब्लोटवेयर की बात कर रहा हूं मैं, फीचर्स वगैरह तो बहुत ज्यादा मिलते हैं मोटो के, तो ये वाले फीचर तो आपको मिल ही जाएंगे। और मोटोरोला के मोटो कनेक्ट के फीचर हो गए, एआई वाले फीचर हो गए, कस्टमाइजेशन वाले फीचर हो गए, अच्छे मिलते हैं। देखो बेसिक चीजें जैसे ऐप लॉक करना हो, थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी हो, तीनों में ही भरपूर मात्रा में मिलती है। इवन तीनों में ही आपको जो एआई वाले फीचर हैं, जैसे कि आपको फोटो वगैरह एडिट करनी है, बैकग्राउंड वगैरह से इरेज करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तीनों में ही आप उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्लीनर साइड में मोटोरोला को यहाँ पे जरूर से मैं कहूंगा आगे जाता है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में मोटोरोला थोड़ा अभी फिलहाल पीछे है। बट परफॉर्मेंस में कौन पीछे है, तीनों में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। OnePlus में स्नैपड्रैगन 7+Gen 3 वाला मिलेगा, मोटोरोला में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला मिलेगा, और Realme में भी स्नैपड्रैगन 7+Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। एक चीज ध्यान रखना, जो स्टोरेज स्पीड है मोटोरोला की 2.2 है, OnePlus और Realme की 4.0 है, और 128 GB वाला लोगे ना तो 3.1 भी आती है। इवन अगर आप ऑन पेपर स्कोर्स में भी देखोगे तो Realme सबसे ज्यादा आगे, सबसे ज्यादा तगड़ा स्कोर करता है। इवन CPU थ्रॉटलिंग में भी देखो यार, बहुत ही बेटर स्कोर करता हुआ मिलता है। क्या ये चीज आपको डे टू डे यूज में भी देखने को मिलेगी? देखो नॉर्मल जितने मैंने टास्क परफॉर्म करे हैं, तीनों में ही अच्छे हो रहे हैं। नॉर्मल यूज में आपको बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं फील होगा, तीनों के एनिमेशन अच्छे होते हैं, तीनों के ऐप ओपनिंग फास्ट हो जाती है। बट एक चीज थोड़ी बहुत जरूर से पता चलेगी ना, कि जो मोटरोला है उतना ज्यादा क्विकर नहीं है, और कभी कभी इसके ऊपर अगर आप बहुत सारे हैवी टास्क एक साथ थ्रो कर दो ना, हल्का फुल्का आपको जो जिटरी वाला एनिमेशन है वो कहीं कहीं महसूस हो जाता है। लेकिन OnePlus में भी एक मैंने देखी है चीज, कि यार कभी कभी ना ये एनिमेशन देना भूल जाता है। ये नॉर्मली तो एनिमेशन मिलेंगे, कभी कभी कुछ एप्लीकेशन के अंदर क्लोजिंग वाले एनिमेशन गायब हो जाते हैं, टाटा बाय बाय हो जाते हैं। मे बी ये सॉफ्टवेयर बग हो, इन द फ्यूचर फिक्स हो जाए, बट फिलहाल डे टू डे यूज के अंदर परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा स्मूदर मुझे यार Realme निकल के आया है। बड़ा ही सही वर्क कर रहा था, और ये चीज में अगर आपको नॉर्मल से हट के थोड़ा हैवी यूज में, यानी KineMaster के एडिटिंग के अंदर भी दिखाऊंगा। देखो Realme OnePlus काफी नेक टू नेक परफॉर्म करते हैं, Motorola थोड़ा सा पीछे होता है। और वही चीज अगर आप गेमिंग में भी देखोगे, Realme और जो OnePlus है दोनों ही 90 FPS VGMI के अंदर अनलॉक देते हैं, 60 FPS Motorola देता है। गेमिंग मैंने जितनी भी लॉन्गर टर्म के लिए करके देखी तीनों ही डिवाइस में, सबसे बेटर गेमिंग Realme यहां पे चुपके चाप से आराम से निकाल के देता है। OnePlus का क्या है, 90 FPS में गेमिंग करोगे कुछ टाइम, जैसे 15-20 आपने मिनट करी तो ठीक है, दे देगा अच्छा। बट उससे आगे थोड़ा सा जाओगे, मतलब लॉन्गर आप इसके अंदर गेमिंग करोगे, तो FPS को बहुत जल्दी ड्रॉप कर देता है। अब Motorola जो है ना वो गेमिंग डिवाइस नहीं है, 60 FPS में आप हल्की फुल्की गेमिंग इसके अंदर कर सकते हो। बहुत ज्यादा अगर आपको गेमिंग तगड़ी वाली करनी है, Motorola उसके लिए नहीं बना है। अब इसके साथ यार UFS स्टोरेज भी आपको जो 2.2 वाली आती है ना, बहुत ज्यादा हैवी टास्क थ्रो करो ना तो ये थोड़ा थोड़ा अटकने लगता है, लैग देने लगता है। और इतना मैं क्लियर कट कह सकता हूं, परफॉर्मेंस वाइज सबसे ज्यादा बेटर और सबसे स्टेबल जो है फिलहाल Realme निकल के यहां पे आता है। क्या ये चीज कैमरास में भी रहती है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। OnePlus में आपको देखो 50 MP का मेन सेंसर मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रावाइड एंड 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। Motorola में अगर आप देखोगे तो 50 MP का मेन सेंसर है, और 10 MP का टेलीफोटो 3x वाला मिलता है, और 13 MP का अल्ट्रावाइड, साथ ही साथ आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। और वहीं पे Realme में भी आपको 50 MP का मेन सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रावाइड है, सेल्फी कैमरा 32 MP का आपको मिलता है। अब देखो वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज एक चीज तो मैं आपको बताऊं, तीनों ही स्मार्टफोन 4K 30 FPS तक कर सकते हैं, बट जो Realme है और OnePlus है 4K 60 FPS तक जा सकते हैं। पीछे से आ रहा है प्लेन, देखो कहीं आप फोकस कर सकते हो तो देख के मेरे को बताओ कि आपको देखो प्लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट उसी के साथ साथ मैं कहूंगा कैमरा मैन को मेरे फेस दिखाए, और साथ ही साथ आप देखो बैकग्राउंड में क्या आपको रिटेंशन देखने के लिए मिल रहा है।
देखो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आपने देखा होगा तीनों के यार कलर्स वगैरह सही हैं, एक्यूरेटली तीनों ही मैनेज कर लेते हैं और स्टेबलाइजेशन भी अगर आप देखोगे काफ़ी बेहतरीन निकल के आती है। इवन मैं यहाँ पे कहूँगा मोटरोला ने एक्सेप्शनल वर्क करा है स्टेबिलिटी के मामले में। लो लाइट के अंदर भी यार तीनों की ही परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बट हाँ थोड़ा सा एज रियलमी और वन प्लस को दूंगा क्योंकि 4K 60 FPS का सपोर्ट करते हैं तो उधर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बट यहीं पर जो सेल्फी कैमरा आता है मोटरोला यहाँ पर भी 4K 30 FPS का सपोर्ट देता है, वन प्लस 1080p तक लिमिटेड है लेकिन रियलमी 4K 30 FPS का भी सपोर्ट देता है। ग्राउंड में कौन ज्यादा बेटर तरीके से लाइट को एडजस्ट कर पा रहा है मेरे फेस रिटेंशन के साथ, जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरीके का यहाँ पे आपको लग रहा है और स्टेबिलिटी। बाकी फ्रंट साइड भी कैमरा में भी यहाँ पे यार मोटरोला की स्टेबिलाइजेशन एक्सेप्शनल है, इवन कलर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा सही निकल के आते हैं। सेकंड नंबर पे आई थिंक यहाँ पे रियलमी रहता है, कलर्स वगैरह थोड़े बेटर मुझे यार मोटरोला के लगे हैं और थर्ड पे यार मैं वन प्लस का रखूंगा कि यार इतना ज्यादा बेटर नहीं है, एटलीस्ट 4K यहाँ पर भी उनको देना चाहिए था और भी ज्यादा बेटर होता। बट कैमराज वगैरह में आई थिंक यहाँ पे मोटरोला और रियलमी की बहुत ही भयंकर वाली जो मुकाबला है वीडियो रिकॉर्डिंग में खास करके निकल के आता है। बट वहीं पे जब अगर आप सेकेंडरी कैमरा यानी अल्ट्रा वाइड में अगर आप देखते हो तो यार एक चीज़ है कि मोटरोला अपने बड़े सेंसर के साथ ज़्यादा बेटर डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर पाता है। वैसे तीनों में ही जो HDR मैनेजमेंट है आपको अच्छा मिल जाएगा लेकिन हाँ वन प्लस जो है ना थोड़ा अच्छा यहाँ पे यार जो आपका कलर रिटेंशन है वो कर पा रहा है, शेडोज वगैरह थोड़े ब्राइटन अप कर रहा है जिससे भी जो फोटो है दिखने में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। लो लाइट के अंदर भी अगर आप देखोगे ना मोटरोला थोड़ी ज़्यादा बेटर को जो डिटेल है उसको यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है। बड़े सेंसर होने का थोड़ा सा फायदा ज़रूर से है बट हाँ अल्ट्रा वाइड रियलमी के अंदर अभी भी इम्प्रूव इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। बट जो मेन सेंसर है भाई साहब बहुत ही धमाकेदार कंपैरिजन है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियर का कह सकता हूँ तीनों का ही कैमरा फिलहाल मैं कहूँगा बहुत ही सही वर्क कर रहा है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको कलर्स वगैरह में तीनों में ही देखने के लिए मिलेगा। मोटरोला थोड़ी सी सैचुरेटेड साइड थोड़ी सी पॉपी साइड ज़्यादा निकालता है जहाँ पे रियलमी हो गया या वन प्लस हो गया थोड़ी सी नेचुरल टोन यहाँ पे रखने की कोशिश करता है। बट आई थिंक यार मोटरोला की इमेज जो देखते ही ना आपको एक लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे डिटेल्स वगैरह के मामले में तीनों बहुत सही वर्क कर रहे हैं। डे लाइट के अंदर भी देखोगे तो यार वन प्लस भी बड़ी ही बेटर डिटेल्स को यहाँ पे निकाल रहा है। वैसे अगर आप थोड़े से जूम वाले शॉट देखोगे अलग अलग फोकल लेंथ के अंदर मोटरोला को एज जरूर से आता है कि इसके अंदर एक टेलीफोटो सेंसर है तो उसमें डिटेल्स ज्यादा बेटर निकल के आती है। इवन अगर आप HDR मैनेजमेंट वगैरह भी देखोगे तो रियलमी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है जहां पे मोटरोला बहुत ही ज्यादा सही कर रहा है। एक थोड़ा इफेक्ट लगा देता है कि हाँ फेस पे कि आपको ग्लो कर देगा बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिटेक्ट करने के साथ साथ, और ये चीज आप वन प्लस में भी देखोगे कि वन प्लस रियलमी काफी ज्यादा सिमिलर रिजल्ट निकालते हैं। मोटरोला काफी एक्सेप्शनल वर्क कर रहा है। फिलहाल मैं इतना जरूर से कहूंगा मोटरोला के शॉट्स मुझे लो लाइट के अंदर भी बहुत ज्यादा सही लगे हैं। डिटेल्स वगैरह भी देखोगे यहां पे अच्छे से कैप्चर कर रहा है। देखो ओवरऑल आपको बताऊंगा तीनों ही कैमरास बहुत ही सही हैं, बट सिमिलर चीज़ आपको यार सेल्फी कैमरा में भी मिलेगी। देखो तीनों ही फिर से मैं कहूंगा बड़े ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। ट्यूनिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत तीनों में से किसी में नहीं निकल के आती है। तीनों ही जो है HDR को भी ईजिली मैनेज कर लेते हैं। जो पोर्ट्रेट मोड का एज डिटेक्शन है वो थोड़ा सा बेटर रियलमी के अंदर देखने के लिए मिलता है, मोटरोला का थोड़ा और बेटर किया जा सकता है। बट मोटरोला के कलर्स वगैरह देखोगे तो थोड़े से वो बूस्टेड टाइप वाले आपको जरूर से मिलते हैं, थोड़े से कॉन्ट्रास्टी ट्यून इसके अंदर जरूर से आता है जो कि उतना था नहीं लगता है अगर आपकी बियर्ड है खास करके। हाँ रियलमी थोड़ा सा हेजी इफेक्ट भी फेस पे कभी कभी लगाता है बट ओवरऑल चीजों में आकर देखोगे ना तो इसमें भी मैं कहूंगा तीनों के जो कैमराज है बहुत एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हैं। बट मोटरोला को थोड़ी सी एज जरूर से जाती है, अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखो मोटरोला मुझे ज्यादा बेटर लगा है और सेकंड नंबर पे आई थिंक यहां पे मैं रियलमी को रखूंगा, थर्ड पे अपना यहां पे वन प्लस निकल के आता है। बट जो बैटरी है उस मामले में बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंफ्यूजन हो चुका है। देखो वन प्लस और रियलमी में दोनों में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, मोटरोला 4500 mAh की बैटरी देता है। अभी टेस्टिंग में जहां तक मैंने देखा है यार वन प्लस ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप को निकाल रहा है जबकि होना उल्टा चाहिए था कि रियलमी को ज्यादा बैटरी देनी चाहिए थी बैटरी। इवन जो मोटरोला है वो भी तगड़ा बैटरी बैकअप निकाल रहा है। देखो सबसे ज्यादा 8 hours+ का आपको वन प्लस दे देगा, 7 hours 7.5 घंटे का आपको रियलमी दे देगा और 6 6.5 घंटे का आपको यहाँ पे मोटरोला देता है। मोटरोला के ऊपर एक और एज है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देता है, ये बाकी दोनों आपको नहीं देंगे। बट मोटरोला में आपको 68 W की वायर चार्जिंग एक और आता है जिसमें हायर चार्जिंग का सपोर्ट है बट वो थोड़ा महंगा रहता है, मेरे पास 68 वाला है। बाकी आपको जो रियलमी है आपको 120 W की देता है, वन प्लस आपको 100 W की देता है, 30 मिनट के अराउंड फुल चार्ज आपके फोन को ईजिली कर देगा। देखो ओवरऑल पैकेज के तौर पर देखा जाए अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस चाहिए ना
मोटरोला उस चीज़ के मामले में ज़्यादा बेटर निकाल के देता है। कैमराज अच्छे हैं, स्लिम डिज़ाइन के साथ आता है, डिस्प्ले भी ठीक यहाँ पे रहती है और IP68 की रेटिंग सबसे बड़ी वाली चीज़ निकल के आती है। बट मेरा पर्सनल फेवरेट मैं कहूँगा यहाँ पे रियलमी रहता है। रियलमी के बैक डिज़ाइन उतनी खास नहीं है, बट उसके अलावा चीज़ों देखोगे LTPO डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, फास्टर चार्जिंग और अच्छा कंसिस्टेंट वर्क करता हुआ कैमराज, खास करके वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी, और परफॉर्मेंस तो तगड़ी मिल ही जाती है। ओवरऑल पैकेज ज़्यादा बेटर रहता है। OnePlus यार फिर से थोड़ी सी चूक मैं कहूँगा यहाँ पे हो जाती है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की इसको ज़रूरत है, और ऊपर से ब्लोटवेयर भी बहुत सारे इन्होंने भर दिया ना, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में ज़्यादा मेरे हिसाब से OnePlus यहाँ पे चला जाता है। बाकी यार आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर से बताना, वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर जरूर से कर देना, ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।